आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। इसके तहत प्रदेश भर में लोगों को जागरूक करने अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में 0 से 19 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजॉल की गोली खिलाई जा रही है। स्थानीय विधायक अरुण वोरा ने शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों को एल्बेंडाजॉल की गोली खिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मिश्रा भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 6,72,000 से अधिक बच्चों को ये दवाई खिलाई जाएगी। दस फरवरी को सभी स्कूलों के बच्चों को जो 19 साल तक की उम्र के हैं उन लोग को हम एक एबेंडाजॉल की गोली खिलवा रहे हैं, जिससे कृमि से उनको मुक्ति मिलेगी। आप जानते ही हैं कि बच्चे लोगों में कृमि पेट में हो जाता है, जिसके कारण से उनको कमजोरी, एनीमिया और वीकनेस रहती है हमेशा। और उन लोग, आप देखते होंगे कि किसी किसी बच्चों का जो है पेट बहुत फूला हुआ दिखता है, तो इन सब से और बहुत सारी बीमारियां अन्य भी हो जाती है, जिसके कारण से हमने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्पेशल रूप से सभी स्कूलों के बच्चों को ये गोलियां खिलाई जाती है। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को दवाई खिलाई गई। जिले के अकलतरा ब्लॉक की प्राथमिक शाला में बच्चों को शौच के बाद साबुन से हाथ धोने और साफ सुथरे कपड़े पहनने के बारे में भी जानकारी दी गई। स्कूल के शिक्षक रूपेश कुमार ने बताया कि बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर सभी बच्चों को हमारे शासकीय प्राथमिक शाला कंदरी में गोली खिलाया जा रहा है, एल्बेंडाजॉल की गोली। 10 फरवरी को सभी बच्चों को खाना खाने के बाद चबा चबा कर अच्छे तरीके से खिलाना है। जो बच्चे आज से रह जाएंगे उसको माफ और दिवस के रूप में 15 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर एल्बेंडाजॉल की गोली खिलाया जाएगा। इस कृमि मुक्ति दिवस पर हमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है, जैसे कि हाथ धुला रहना चाहिए, खाना दूषित नहीं रहना चाहिए, ताज़ा रहना चाहिए। तो सभी को, बच्चों को हाथ धोने और सभी को शौच के बाद खाना खाने के पहले सभी को बच्चे को साबुन से हाथ धोने, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने, नाखून कटा हुआ होना चाहिए। सभी अवसरों पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है इस कृमि मुक्ति दिवस पर। गौरतलब है कि इस दिवस की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2015 में की थी। इसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ ही कृमि मुक्ति के बारे में लोगों को जानकारी देना था।